तो स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम हैप्पी स्माइंड एंड टेक्नोलॉजीज। देखिए, हैप्पी स्माइंड एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में एक चीज़ को नोटिस करना कि कंपनीज के ऊपर हमेशा आपको एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगा कि टेक्नोलॉजीज कंपनी में जितने सारे आईटी सेक्टर कंपनी है, वो सारे कंपनीज का आज हालत ख़राब है। हालत ख़राब है मतलब क्या है, अगर मैं टोटल पेयर कंपनी से बात करूं, आप देख सकते हैं जैसे पीवी फिनटेक हो गया, इसको छोड़ दीजिए, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, टाटा इलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजीज और कोफोर्ज, साथ ये सारे कंपनीज का अगर देखेंगे, उसी तरीके से हैप्पी स्माइंड को भी देखेंगे, इसका आप सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देख लीजिए। सेल्स ग्रोथ हर कंपनीज के ऊपर ठीक ठाक नहीं है, सिर्फ एक दो कंपनीज के ऊपर ठीक ठाक है, जैसे केपीआईटी और पीवी फिनटेक, इस दोनों कंपनी का ठीक ठाक है, बाकी कंपनीज के ऊपर उतना खास ग्रोथ नहीं है। तो उनमें से हैप्पी स्माइंड का भी ऑब्वियसली पॉजिटिव में है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ, क्वार्टरली जो प्रॉफिट ग्रोथ है, जहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजीज, जहाँ पे टाटा इलेक्सी, ये दोनों कंपनी के ऊपर लॉसेस है, मतलब लॉसेस मतलब नेगेटिव में परसेंटेज गया। और बेसिकली पीवी फिनटेक बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ किया, और साथ ही साथ इज हैप्पी स्माइंड भी पॉजिटिवली प्रॉफिट ग्रोथ किया। तो कहने का मतलब है कि हैप्पी स्माइंड जैसे कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा होने के बाद भी, ज़्यादा कर्जा मतलब बाकी कंपनी से कंपेयर करो तो ज़्यादा कर्जा है, फिर भी कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करने का कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी का अगर क्वार्टर रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी पिछले बार का जो सेल्स किया था, इस बार सेल्स ज़्यादा हुआ, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा, जिस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 58 से लेकर 72 करोड़ तक देखने को मिला, जो आज तक की हाईएस्ट सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ है। और यही कारण के वजह से कंपनी में कोई भी दिक्कत आने का चांसेस बहुत कम है। और बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन में क्या, देखा जाए कंपनी एक टाइम 140 के ऊपर भी चला गया था कंपनी के खुद के पी रेशियो, और वो कहाँ पे, कहाँ से गया था, कोविड के लेवल से। कोविड के लेवल में कब था, कितना था, 20 के आसपास। अगर उसी बेसिस में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो हाई हुआ था पी रेशियो, उस वहाँ से बिग करेक्शन हुआ और बिग डाउन साइड ट्रेड देखने को मिला। तो जो करेक्शन हुआ वो कहाँ तक हुआ, आप यहाँ पे देखेंगे तो जो करेक्शन हुआ वो करीबन 60 लेवल तक आया। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में एक बिग फॉलिंग देखने को मिला है, उसी फॉल के बेसिस में यहाँ से फिर से करेक्शन होने का चांसेस रहेगा। तो पी रेशियो तो सस्ते में आ चुके हैं, उसके साथ साथ प्राइस टू बुक वैल्यू वो भी सस्ता हो चुके हैं, क्योंकि एक टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू चला गया था 40 के आसपास, और आज कहाँ पे है, 9 के आसपास, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू वही लेवल में आ चुके हैं जो कोविड के लेवल में था, मतलब कोविड के जो रेंज था उसी रेंज तक आ चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ से फिर से जर्नी होने का स्टार्ट है। मैं इतने सारे पॉइंट्स मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी के जो चार्ट बना है, अगर वो चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो, कंपनी के चार्ट को ध्यान से देखना, जब जब इस लोअर साइड को, इस नीचे लेवल को टच किया, बाउंस बैक किया, फिर से देखिए यहाँ पे भी इस नीचे लेवल को टच किया, बाउंस किया, और फिर से देखिए यहाँ पे नीचे लेवल को टच किया, मतलब यहाँ से भी बाउंस करने का चांसेस है। मगर हुआ कुछ ऐसा, 2 दिन पहले एक गैप डाउन में ओपन हुआ और कंपनी के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर बना है, मुझे लगता है वो इजीली इस लोअर साइड को फिर से एक बार टच करने के लिए आएंगे, जो लेवल निकल कर रहा है 760 रुपीज़ के आसपास। अभी क्वेश्चन ये है कि यहाँ से कंपनी के ऊपर बिग फॉल क्यों दिखा था, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक अपडेट था, वो अपडेट यही है कि हैप्पी स्माइंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर फॉल देखने को मिला था, उसके मेनली कारण है ब्लॉक डील, मतलब कंपनी के ऊपर ब्लॉक डील किया गया था, तो इसी कारण के वजह से शेयर में एक बिग क्रैश एंड करेक्शन देखने को मिला। तो ब्लॉक डील होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर जो करेक्शन का माहौल है, और भी ज़्यादा गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में कुछ इंस्टीट्यूशन माल बेचने के लिए तैयारी कर रहा है, जैसे आप खुद ही देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग को ऐड किया, मगर एफएस ने कुछ क्वांटिटी को सेल ऑफ किया, जो पिछले बार 5% था, इस बार 4.5% के आसपास आ चुके हैं, मतलब इंस्टीट्यूशन आईटी सेक्टर से थोड़ा सा क्वांटिटी को सेल अप करके बाद में वो बाई करना चाहते हैं, नीचे लेवल में वो बाई करना चाहते हैं। आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ, मगर फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, जब कोई रेंज बने, जब कोई ट्रेड बने, मैं जरूर कुछ क्वांटिटी एडिंग करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है रिलैक्सो फूड है, सेम टू सेम, इसका भी हालत सेम टू सेम है,
रिलैक्सो की हालत भी आज खराब है, क्योंकि कंपनी के अगर पीयर ग्रुप के बारे में बात करूं, आप देख सकते हैं रिलैक्सो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट फुटवेयर इंडस्ट्रीज है, फिर भी इसका सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है। प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ नेगेटिव होने के पीछे बहुत बार रीज़न मैं आपके साथ में शेयर किया हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं ही कहूँगा कि जो लोग सोच रहे कि रिलैक्सो बेकार कंपनी है, उसके लिए बता दूँ आपका सोच बहुत गलत है। मतलब आपका सोच बहुत गलत होना गलती होगा, आपका सोचना थोड़ा सा अलग लेवल में होना चाहिए। क्योंकि रिलैक्सो जैसे कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी यही है कि कंपनी कभी भी सेल्स में कोई भी नेगेटिव इशू नहीं दिखाया, कंटिन्यूसली सेल्स को मेंटेन किया, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट 100 करोड़ से करीबन 60 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। एक टाइम 100 करोड़ का प्रॉफिट किया था, आज सिर्फ 60 करोड़ के आसपास है। अच्छी बात यही है कि लास्ट 3 क्वार्टर्स में कंपनी जिस तरीके से वीक लेवल में प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, उसको ब्रेक किया और 60 करोड़ तक कंपनी के ऊपर जर्नी देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, वो सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल भी है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करना। क्योंकि कंपनी के ऊपर जो जर्नी है, वो जर्नी में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस भी देखने को मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो डेटा अपडेट है उसके बारे में बात करूँ, तो रिलैक्सो के ऊपर एक चीज़ को और भी नोटिस करना कि जो कंपनी का ROE है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, वो पॉजिटिव है, और ROC भी देखा जाए तो अच्छा खासा देखने को मिला, प्रॉफिट मार्जिन भी पॉजिटिव है और डेप्थ एकदम जीरो है। तो रिलैक्सो के ऊपर हमेशा आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। शेयर में भारी भरकम गिरावट हो चुके हैं, इसका मतलब कंपनी बेकार हुआ है, बेकार कंपनी है, ऐसे बोलना बहुत गलत होगा। क्योंकि ये कंपनी का नेचर होता है, हर स्टॉक की एक नेचर होता है, वो हमेशा भागता नहीं है, कभी ना कभी वो करेक्शन होता है। हाँ, कुछ कंपनीज के ऊपर बहुत बड़ा करेक्शन होता है, उसके बाद यू टर्न लेकर वापस जाता है, कुछ कंपनीज के ऊपर छोटा करेक्शन होता है, उसके बाद यू टर्न लेकर वापस जाता है। तो रिलैक्सो एक लार्ज कैप टाइप कंपनी है, तो जिसका ग्रोथ होने का चांसेस फ्यूचर में जरूर दिखेगा। क्योंकि अगर चार्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के अगर टॉप लेवल से देखो तो एक बिग करेक्शन देखने को मिला। बिग करेक्शन मतलब अगर मैं टोटल ओवरऑल इसका लाइफ टाइम हाई से अगर करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 40-50% के आसपास क्रैश हो चुके हैं। मुझे लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी है, जरूर मैं इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। और दूसरी बात, मैंने जो क्वांटिटी कुछ एज ए लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग के पर्पज़ में इन्वेस्टमेंट किया था, वो यहाँ पे और भी कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एडिंग करने वाला हूँ। तो जिस तरीके से सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन में यहाँ पे एक पैटर्न्स भी बना है, जो पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो कुछ इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना है, और इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो ही मैं कुछ क्वांटिटी एज ए स्विंग बेसिस में लेने वाला हूँ, और मैं जरूर यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एडिंग करूँगा एज ए लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी आपके क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है एमटर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो बेसिकली एमटर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के ऊपर एक चीज़ को आपको यहाँ पे नोटिस सबसे पहले चार्ट में दिखाऊंगा। तो मुझे यहाँ पे कमेंट्स आया कि एमटर टेक्नोलॉजी के ऊपर सर करेक्शन क्यों हो रहा है। देखिए, करेक्शन होने से पहले मैं एक चीज़ आपके सामने शेयर करूंगा। देखिए, जब एक रेंज में हाई हुआ था, उसके बाद बिग फॉल हुआ, और बिग फॉल होने के बाद कंपनी वही लेवल से वापस गया। वो लेवल में एक बार आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे स्ट्रांगली क्या था, सपोर्ट था, सपोर्ट के बाद बाउंस बैक किया, फिर से यहाँ पे क्या बना, सपोर्ट बना, यहाँ से देखिए किस तरीके से बाउंस बैक किया, और उसी तरीके से फिर से एक बार सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से सपोर्ट बने तो फिर से एक जर्नी दिखेगा। तो ओवरऑल हर दिशा से देखा है तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस है, यहाँ पे भी ग्रोथ होने का चांसेस है, यहाँ पे भी ग्रोथ होने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिलेगा। तो मुझे थोड़ा सा इंतजार करके काम करना होगा, क्योंकि कोई भी पैटर्न्स ना बने तब तक मैं कोई भी ट्रेड नहीं लेता हूँ। और एमटर टेक्नोलॉजी के ऊपर एक चीज़ को आपको मैं जरूर कहूँ कि कंपनीज के ऊपर जो बिजनेस है, वो बिजनेस के कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार, पिछले बार भी हाइस्ट कैपेक्स था 107 करोड़, और इस बार भी करीबन 93 करोड़ के आसपास कैपेक्स बढ़ चुके हैं। और ओवरऑल कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट है, क्योंकि कंपनी का ROC ROE दोनों ही बेस्ट है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी शानदार ग्रोथ हो रहा है, कर्जा एकदम ना के बराबर है। तो सारे दिशा से देखा है तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा काम हो रहा है। उसी तरीके से अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो म्यूचुअल फंड कुछ माल को बेचा है, 29% माल को 14% तक लेके आए, और FS के पास 23% माल था, सॉरी 2.3% का माल था, आज वो बढ़ के हो चुके हैं 10-10.5% के आसपास।
एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला, जिस ग्रोथ के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी का सबसे पहले चार्ट को अगर दिखा दूँ तो एक साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ, जर्नी तो हुआ था उसी बेसिस में क्रैश भी हो गया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में अभी सिचुएशन बना है एक साल तक। तो इस कंपनी के ऊपर फिर भी एक मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया एक के बदले एक शेयर देने का। एक के बदले एक शेयर कंपनी आपको जल्द से जल्द देने वाला है। मुझे लगता है नेक्स्ट जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है तब इसके अनाउंसमेंट शायद हो सकते हैं। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज़ में था क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो काम करना है तो सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करना होगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।